वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। इतनी मजेदार कलेक्शन के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। रानिया हमारे साथ मौजूद हैं, इतने प्यारे प्यारे फ्रॉक लगे हुए हैं। रानिया से बात करते हैं। रानिया, थोड़ी सी अपनी कलेक्शन, हम बाई बाई आपके ड्रेसेस देखते हैं और इन पे बात भी करते हैं कि किस तरह से आपने इनको डिजाइन के आगाज हम वेलवेट से करेंगे। ठीक, लुक एट दिस वन। अच्छा रानिया, आप थोड़ा बताती रहे इस हवाले से। और अभी आपको पता है कि हमारा ऑब्वियसली विंटर सीजन था, वेलवेट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ फैब्रिक जो कि विंटर्स में अच्छे तरीके से चलता है। ये वाला इंस्पायर्ड मेरा जो ड्रेस था पिछली कलेक्शन में से था, स्ट्राइप्स वाला ड्रेस था जो कि मैं यहाँ भी लेके आई हुई हूँ। वो बहुत ज्यादा बेस्ट सेलर था। हाँ। तो उसी आइडिया को मैंने कहते एक और लुक में करके वो किया था। और बच्चों की स्टिचिंग के लिए आपको फ्रिल और फॉल का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, यह तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जानिए इस हवाले से भी बताएं। दिस इज वेरी नाइस, दिस वाज फ्रॉम द लेटेस्ट कलेक्शन आल्सो। ठीक है। और आजकल हाई लोज जो है ना बहुत ज्यादा ट्रेंड में है बच्चों के लिए। हाई लोज हो गए, पूफी ड्रेसेस हो गए, लॉन्ग ट्रेल ड्रेसेस हो गए, तो ये उसके लिए माइंड में रखते हुए थोड़े छोटे बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चों के लिए फुल लेंथ ड्रेस कैरी करना जरा मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा आगे से शॉर्ट रख के पीछे थोड़ी सी हमने ट्रेल दी है इसको। और इसकी बैक पे जब ये बूबी बनी हुई है, बेल्ट की जगह पे आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वेरी प्रिटी, मजा आता है मुझे बच्चों के कपड़े देख के। रानिया, आपको भी एक्साइटमेंट होती है? मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है जब फैब्रिक एक ड्रेस में बन जाता है ना, इट्स और जब बच्चा और बच्चे को पहने में सूट भी कर रहे हो, ये तो और भी एक्साइटेड हो जाता बंदा। ये क्या जनाब? ये हमारी थी कलेक्शन कैंडी लैंड। ठीक है। तो उसमें सारी कलेक्शन वॉज बेसिकली ब्राइट कलर्स एंड लाइक कैंडी फील्स, इस तरीके का वो था। तो बच्चों के साथ ऑब्वियसली सॉफ्ट कलर्स अच्छे लगते हैं, सो वी डिसाइडेड टू गो विद समथिंग लाइक फैब्रिक मैनिपुलेशन ऑन टॉप एंड लाइक यू नो कीप इट वेरी स्वीट एंड ऑल। अच्छा जनाब, और नेक्स्ट ड्रेसेस भी देखते हैं। अच्छा, ब्लैक में भी मैं देखती हूँ। अभी ये देखें कितना मजे का लग रहा है, विद लॉट ऑफ फ्रिल्स। या बच्चों को फ्रिल्स पहना दें तो बस दे आर द हैप्पीएस्ट इन इट। हाँ, दे आर द हैप्पीएस्ट। एंड कलर तो ऑब्वियसली पता है अट्रैक्ट करता है बच्चों को बहुत ज्यादा। और ये व्हाइट के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन इट्स गिविंग अ वेरी एलिगेंट लुक। ये बहुत अच्छी है। अरे अच्छा जी, ब्लैक में रानिया प्लीज आप पकड़े और मुझे उसके हवाले से बताएं, क्योंकि ब्लैक इज ब्लैक में है, दैट्स रियली फॉर्मल। दिस इज अ वेरी फॉर्मल ड्रेस बिकॉज विंटर में लॉन्च किया है हमने, तो ऑब्वियसली वेडिंग सीजन वगैरह है, बच्चों की बर्थडेज, और आजकल हर बच्चा अपनी बर्थडे पे प्रिंसेस बन के जाना चाहता है। तो दिस हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। बड़ी बड़ी लड़कियां प्रिंसेस मोड में रहती हैं। बिल्कुल सही बात, बच्चों का तो राइट है। तो ये कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स रहा है अभी हमारा, क्योंकि बेसिकली इट हैज अ लॉन्ग ट्रेल, तो बच्चे जब वॉक करते हैं पीछे काफी इसकी लंबी ट्रेल है। ये देखें जी, ये ट्रेल है इसकी और ये बहुत प्यारा लगता होगा। हाँ, बच्चे बहुत तो डिजाइन में भी कॉपी करा ये अच्छा है, मजेदार है। अच्छा, इसके नीचे फॉल के लिए देयर इज अ डिफरेंट स्टफ ना, जो बच्चों की फॉल के लिए लगाया जी, बच्चों के लिए फॉल के लिए कहते हैं दो किस्म की होती है, एक तो नॉर्मल फिनिशिंग भी आप कर सकते हैं और एक होती है जरा स्टिफ किस्म की, वो आपको इस ड्रेस में नजर आएगी, जो जब बच्चा पहन लेता है ना तो उसमें एक डिफरेंट लुक आती है जो एक हर उसको शेप को मेंटेन करती है। अब जैसे ये फैब्रिक है, इट्स वेरी ग्लॉसी, सो इट काफी इसको जो है ना बहुत लक्स इसमें वो मिलता है, लुक्स इसमें। अच्छा, ये ब्लैक स्ट्राइप में भी आप मुझे कुछ दिखा रही थी। ये हमारा पिछले कलेक्शन का बेस्ट सेलर रहा है और आई थिंक ये अभी तक हम जो है ना बनाते ही रह रहे हैं। अच्छा, इट हैज अ हार्ड डिटेल लाइक हार्ड कट आउट है पीछे से, और ये भी हाई लो है, तो काफी आई थिंक इसमें आई थिंक बच्चों को जरा शेयर। इसकी बैक है राइट? ये बैक है और वो फ्रंट है इसकी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये देखें जी, ये बेस्ट सेलर्स में से और ये अच्छा भी बहुत है। व्हाट्स दैट पिंक इनसाइड इट? It's a frill. Okay. It's a frill, yeah. Okay, perfect. अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें जो है डिटेल्स बहुत मैटर करती है सेंटेंस फिनिशिंग के हवाले से। और ये जी लास्ट पीस है जो इसके साथ बनाया है रानिया। ये भी कहते हैं ऐसे हाई लो ड्रेस है विद अ पॉप ऑफ कलर, क्योंकि ये भी कैंडी लैंड कलेक्शन का है, तो पॉप ऑफ कलर वॉज वन ऑफ द मोस्ट वो इसमें फीचर के जरा इसमें कलर एड हो जाए। अच्छा रानिया, हम उस तरफ चलते हैं, साथ साथ ये डिस्कशन भी करते हैं, क्योंकि एग्जीबिशन और जो कह लें आप बच्चों के हवाले से रैंप पे वॉक्स भी होती रहती हैं, फैशन शोज में पार्टिसिपेशन भी रहती है। आपका कोई फर्दर प्लान है इस तरह की कोई एक्टिविटी कराने का? जी इंशाल्लाह जरूर, हमारा भी प्रोग्राम होगा आगे कहते फैशन शोज वगैरह कराने का, बट अभी वन स्टेप एट अ टाइम ले रही हूँ मैं। अच्छा, तो अभी तो जैसे ही शॉप ओपन हो जाए सो वील डेफिनेटली हैव एक्टिविटीज फॉर किड्स, क्योंकि पाकिस्तान में जरा ये भी है कि बच्चों के लिए जरा एक्टिविटीज भी इतनी नहीं होती। सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है जो अभी मैं फैशन शोज बच्चों के देखती हूँ, बच्चों को रैंप पे चलाना,
मतलब हाउ डिफिकल्ट इट इज कि आपने बच्चे को एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे दिया जो अभी थोड़ा छोटा। अच्छा मेरे जो मेरे एक ब्रांड के लिए मॉडल करते हैं वो तो बहुत ट्रेन हो चुके हैं। अच्छा वो ऐसे ट्रेन है कि लाइक आउटसाइडर्स विद इन योर फैमिली? नो नो दे आर ऑल आउटसाइडर्स, लेकिन वो इतने एक्साइटेड होते हैं इस तरीके से और उनको बस वो है कि मुझे अब देखना भी नहीं पड़ता कि शूट हो रहा है। अच्छा बच्चे आते हैं मेरा ड्रेस दे दो, बाल बनवा लिए गए, पिक्चर्स खिंचवा के आ गए, कुछ भी नहीं होता। तो रैम शोज वगैरह वो मुझे कोई टेंशन नहीं। किस एज ग्रुप के बच्चों को आप केटर? यंगेस्ट बच्चा जो मेरे साथ करता है 2 इयर्स का होता है। Okay. और उनका भी जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है ना वो भी देखने वाला होता है। आई सो वांट टू मीट देम। मुझे कॉन्फिडेंस अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। आई रिमेम्बर मेरे शो पे एक बार कुछ बच्चे आए थे, तब फैशन शो एक होने वाला था एंड दे वर सो कॉन्फिडेंट। वो आए उन्होंने वॉक किया, उन्होंने बताया था मैं पोज किया वो खड़े हो गए। आई वॉज वंडरिंग कि इनको कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ती होगी। बच्चों को आई डोंट थिंक सो कोई भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है क्योंकि बच्चे अपने उसमें बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। तो हम जितने बड़े होते जाते हैं तो हमें जरा अपने उस पर डाउट आने लग जाते हैं। बच्चों को कोई ऐसी इशू नहीं होता। तो अगर उसकी पर्सनालिटी थोड़ी ऐसी हो कि मतलब आउट देयर हो थोड़ा बच्चा, कुछ बच्चों की पर्सनालिटी जरा शाय होती है लेकिन ज्यादातर होते हैं जो एकदम ही वो हो जाते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं। अच्छा रानिया, चूंकि कलर्स की हम एक बार फिर थोड़ी सी बात करेंगे, बच्चों के लिए कौन से कलर सजेस्ट करोगी आप जो हमें देख रहे हैं लोग इस वक्त, कि उनको भी आइडिया हो कि बच्चों को बहुत ज्यादा ब्राइट या के लिए ना हार्श किस्म के कलर्स नहीं? अब तो खैर क्योंकि स्प्रिंग आ रहा है तो मैं तो स्प्रिंग समर में लिए एक ऐसा वेदर होता है कि आई एम लाइक गो फुल ऑन ब्राइट कलर्स, ठीक है? क्योंकि बच्चों के ऊपर ब्राइट इन अ सेंस के फ्यूशिया पिंक हो गया, हॉट पिंक हो गया, लेमन हो गया, स्टफ लाइक दैट बहुत अच्छा लगता है। डल कपड़ों में भी नहीं पहनाना चाहिए बच्चों को, बट बिकॉज देयर किड्स एंड दे कैन डू इट, तो ब्राइट अभी तो आई थिंक दे कैन गो फुल ऑन ब्राइट इस सीजन के लिए। हाँ और रानी कुछ स्टाफ ऐसे भी होते हैं जिससे आगे विंटर सॉरी समर्स आ जाएंगी तो समर्स में बहुत लाइट वेट लॉन के ड्रेसेस भी चलते हैं। लॉन हम प्रेफर नहीं करते यूज करना क्योंकि लॉन बहुत जल्दी क्रिंकल हो जाती है। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें ऐसे फैब्रिक यूज करना and all that, जी इस तरीके से ज्यादातर टूल यूज होता है, नेट ही यूज होती है ज्यादातर और जॉर्जेट्स शिफॉन्स इस तरीके के फैब्रिक्स यूज होते हैं जिसको ज्यादा आयरनिंग वगैरह ना यूज करनी हो क्योंकि बच्चों का आपको काफी चीजें ध्यान में रख के डिजाइन करना पड़ता है। कंफर्ट फर्स्ट थिंग, प्योर लाइनिंग्स लगी हुई हो क्योंकि लोगों को एलर्जीज होती हैं बच्चों को ज्यादा, तो आपने ये देखना होता है। तो बेसिकली हमें पहले सबसे पहले तो ये चीज देखनी होती है कि फैब्रिक उसके लिए बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो और दूसरा फिर ये कि हाँ जल्दी कहते वो डैमेज ना हो और उसकी आयरनिंग बच्चों ने नहीं देखना, उसने एकदम ही वो कर लेना है, ठीक है? तो वी डोंट यूज कॉटन एंड लॉन्स एज सच। परफेक्ट। अच्छा रानी एक आखिरी सवाल, जो पेरेंट्स हैं आपको लगता है कि वो बच्चों की स्टाइलिंग के हवाले से अब कॉन्शियस हो गए? अब बहुत कॉन्शियस हो गए एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि पहले मतलब अब मैंने स्लोली अपने ऑब्वियसली काम में भी राइज देखा इस तरीके से, तो अब पेरेंट्स को बहुत हो गया हुआ है कि बच्चे मेरे इस तरीके से ड्रेस अप हो, बहुत फोकस आने लग गया है, डिफरेंट हो गया। अच्छा रानिया कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे देखने वालों को? बस अपने बच्चों को अच्छे से तैयार करें आप लोग और लेट देम बी किड्स। उसको बिल्कुल भी आप इस तरीके से वो ना करें कि मेरा ही वर्जन लगने लग जाए छोटा वाला, ठीक है? और लेट देम हैव फन और जो भी आई थिंक गिव योर किड्स द फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू वेयर, उसमें भी ज्यादा कहते हैं उसमें भी ईज होता है एंड बच्चे की अपनी एक पर्सनालिटी निकलती है, तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया रानिया आपका, आपने इतनी जबरदस्त टिप्स दी। जनाब किड्स फैशन के हवाले से हमने आपको बताया और डेफिनेटली ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों के हवाले से भी हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है क्योंकि आप बच्चे कंपैरिजन भी कर लेते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें उनके लिए भी मैटर करती है। उम्मीद करते हैं आज के शो आपको पसंद आया होगा, उसके हवाले से फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर का, वहाँ हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।